हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीआईसीए कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 10 और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमारे जो भी चैप्टर्स थे उसमें हमने अच्छे से समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के। पर उन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूं आपको इस चैप्टर के बारे में जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहला बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि एक बार और डिटेल में कि प्रिंसिपल क्या होता है, जिसके लिए एक मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, आप सभी अच्छी तरीके से उस डायग्राम को देखिएगा। ये हमारा एक ट्री है। क्या है ये? हमारा एक ट्री। ये कौन सा ट्री है? ये एक एप्पल का ट्री है, ठीक है? ये एक एप्पल का ट्री। एक दिन की बात थी, एक पर्सन इस ट्री के नीचे बैठा था। उस पर्सन का नाम क्या था? न्यूटन। क्या नाम था उसका? न्यूटन। सभी जानते हैं न्यूटन कौन था। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक से जो वो एप्पल था वो टूटा और वो उसके सर पे गिरा। अचानक से उसके सर पर गिर गया वो एप्पल। जैसे ही उसके सर पे गिरा, किसके? न्यूटन के सर पे जो एप्पल गिरा, उसने सोचा कि यार ये कैसे गिर गया, क्यों गिर गया। तो उसने क्या करा, अलग अलग चीजों को, कभी पेन को फेंका, कभी कोई बुक को फेंका, कभी किसी चीज को फेंका, कभी बॉल को फेंका, हर चीज को उसने ऊपर फेंक के देखा, हर चीज नीचे आ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, हर एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट एक ही आ रहा था, हर चीज जो भी ऊपर फेंक रहा था वो नीचे आ रही थी। तो उसने उसी फोर्स को, उसने उसी चीज को किसका नाम दे दिया? ग्रेविटी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? ग्रेविटी का, जो कि हम साइंस में आज तक पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो भी चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, उसको ये कहते हैं ग्रेविटी। तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका फॉर्म किसने किया था, इस प्रिंसिपल को किसने बनाया था? हमारे न्यूटन ने बनाया था। तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल्स कहते हैं। हमको अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल क्या चीज होती है। प्रिंसिपल वो चीज होती है जो कि पूरे यूनिवर्स में इक्वली एप्लीकेबल है। चाहे से आप आपके घर पे रहो, चाहे से आप कोटा में रहो, चाहे से आप राजस्थान में रहो, या फिर कहीं भी रहो, लंदन में चल जाओ, साउथ पोल में चल जाओ, नॉर्थ पोल में चल जाओ, जो भी चीज ऊपर फेंकते हो वो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया क्या होता है। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट के कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जो कि किसने दिया है? हमारे हेनरी फ्योल ने दिया है। ये 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको समझना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। हमको समझ में आ गया कि भैया ये साइंस का प्रिंसिपल है वो क्या होता है, हमको समझ में आ गया। किससे बना वो? एक्सपेरिमेंट से बना, ऑब्जर्वेशन से बना। उसका पूरा यूनिवर्सल में इक्वली एप्लीकेबल है, यानी कि पूरी अर्थ पे इक्वली एप्लीकेबल वर्क करती है हमारी ग्रेविटी। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे कि क्या मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी साइंस के प्रिंसिपल की तरह है? देखते हैं। ये क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक पर्सन एक पर्सन को ऑर्डर दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? बॉस। सपोज कर लो ये बॉस है और ये क्या है? उसका एम्प्लॉय। ये बॉस उसको क्या देता है? ऑर्डर देता है। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि आज तुमको 5 घंटे में इस फाइल को कंप्लीट करके देना है मुझे, इस चीज को कंप्लीट करके देना है मुझे, इस वीडियो को पूरा एडिट करके देना है मुझे। तो इस बॉस ने इस पर्सन को, इस एम्प्लॉय को एक काम दे दिया। उस काम को इस एम्प्लॉय ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है? उस काम को इस एम्प्लॉय ने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, उसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब आपको समझ में आ गया, सही है, अच्छा प्रिंसिपल। एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को एक काम दे दिया, उसने उस एम्प्लॉय ने उस काम को अच्छे से कर दिया, इसको क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये यूनिटी ऑफ कमांड क्यों बनाया है? यूनिटी ऑफ कमांड इसलिए बनाया है क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ये एक पर्सन था,
ये हमारा एक एम्प्लॉय था, ये तो इसको ऑर्डर दे ही रहा, पर उसके साथ साथ एक और बॉस था, वो भी उसको क्या दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था। यानी कि यहां पर एक ऑर्डर है और यहां पे दो दो ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, ये भी बॉस था हमारा, ये भी बॉस था, ये दोनों बॉस क्या कर रहे थे, इस एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे थे, जिसकी वजह से ये एम्प्लॉय दोनों में से किसी का भी काम अच्छे से नहीं कर रहा। तो हमारे हेनरी फ्योर ने देखा, ऑब्जर्व करा और उन्होंने सजेशन दी कि आप एक काम करो, एक ही बॉस एक ही एम्प्लॉय को एक ही काम देगा। उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, हर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करता, उसको हमने प्रिंसिपल बनाया था यूनिट ऑफ। अब हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे से वो कोटा की हो, चाहे से वो लंदन की हो, चाहे से वो मुंबई की हमारी रिलायंस कंपनी हो, चाहे से वो गूगल हो अमेरिका की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इस प्रिंसिपल को आज यूज करती है, यूनिटी ऑफ काम। जैसे कि उनको क्या लगता है कि दो बॉस एक सबोर्डिनेट को, दो बॉस एक सबोर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, दो काम दे रहे हैं, तो वो सबोर्डिनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी कि वो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो कौन सा प्रिंसिपल को यूज करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें क्या करते हैं, वो एक बॉस होता है, एक एम्प्लॉय होता है, उसको एक काम दिया जाता है, तो वो एक एम्प्लॉय उस एक काम को अच्छे से कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, उसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है, ये कोटा में भी लग रहा है, कोटा की जितनी भी फैक्ट्रीज है उसमें यूज किया जाता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूज किया जाता है, कोटा की एलन में भी यूज किया जाता है, कोटा की एलन में ही हमारी CICA कोचिंग में भी इसको यूज करा जाता है, ऐसे ही कोटा नहीं राजस्थान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें यूज किया जाता है, राजस्थान में नहीं कोटा में और पूरे इंडिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसको यूज किया जाता है, मुंबई में भी इसको यूज किया जाता है, इधर से लंदन में इसको यूज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये पूरी अर्थ पे यूज करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आता है, जब एक बॉस एक एम्प्लॉय को एक काम देता है तो वो एम्प्लॉय उस काम को अच्छे से कर लेता है। तो ये क्या है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो जिस तरीके का हमारा साइंस का प्रिंसिपल होता है, किसी भी चीज को ऊपर फेंका वो नीचे आए, किसी भी चीज को ऊपर फेंका वो नीचे आए, तो वैसा ही हमारा जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो भी कैसे काम करता है, कि जो भी हमने काम दिया, एक काम दिया किसने, एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को एक काम दिया, तो वो काम भी अच्छे से होता है। जिस तरीके से जो हमारा ग्रेविटी का प्रिंसिपल है वो कोटा में भी यूज होता है, कोटा में भी अप्लाई होता है, आपके घर पे भी अप्लाई होता है, पूरे राजस्थान में होता है, पूरे इंडिया में होता है, पूरे अर्थ पे होता है ग्रेविटी का, जो भी चीज ऊपर जाएगी वो नीचे है। वैसे ही हमारा जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कोटा की सारी कंपनीज उसको यूज कर सकती है, लंदन की सारी कंपनीज उसको यूज कर सकती है, अमेरिका की सारी कंपनीज उसको यूज कर सकती है, जापान की सारी कंपनीज उसको यूज कर सकती है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये कौन सा प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था साइंस का, ठीक है, साइंस का। ये कौन सा प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। अब बात करते हैं हम कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में क्या क्या थोड़ा सा अलग अलग चीजें होती है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमको देता है फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब बोल रखा है कि ये सच पे आधारित। जैसे कि हमारा साइंस का प्रिंसिपल में हमको पता है ग्रेविटी क्या करती है, कि जिस भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी, ट्रूथ है, सच है, हमको पता है वो सच, कि जो भी चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। वैसे ही हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में भी हमको सच पता है। अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड लगाएंगे, यूज करते हैं आप यूनिटी ऑफ कमांड को, एक बॉस एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, एक काम दे रहा है, तो वो एक काम वो एम्प्लॉय अच्छे से कर लेगा, हमको पता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ कहते हैं। किसको, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। दूसरा होता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब बोल रखा है कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो हमको गाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पापा, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स हमको गलती करने से रोकते हैं कि नहीं बेटा आपकी अभी एज नहीं है, आप ही गलत डिसीजन ले रहे हो, आप ये मत करो, आप ये मत करो, अभी आपका काम करने का टाइम है बेटा, आप पढ़ाई करने का टाइम है, आप ऐसा वर्क नहीं कर सकते, ऐसे आप जॉब नहीं कर सकते, अभी आपका पढ़ाई करनी है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमको गाइड करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, बताते हैं क्या सही है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं। क्या गाइड करते हैं, कि भैया आपको काम कैसे करना है। अगर आपने क्या कर दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो बॉस थे, ये दोनों बॉसों ने क्या करा, एक एम्प्लॉय को काम दे दिया, इस एम्प्लॉय को काम दे दिया, कैसे काम दे दिया, इस बॉस ने भी काम दे दिया, इस बॉस ने भी काम दे दिया, यानी कि दो काम इसको दे दिए, तो ये किसी का भी काम नहीं कर पाएगा अच्छे से।
तो ये बताते हैं हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि आप गलती मत करो, ऐसी आप ऐसी गलती नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको यूज करना है, यूनिटी ऑफ कमांड को, कि एक बॉस है, एक एम्प्लॉय को एक काम दे रहा है, वो एम्प्लॉय उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। तो इस तरीके की गाइडलाइंस देते हैं, गलती करने से रोकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। बात करें कि ये जो गलती करने से रोकते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, फंडामेंटल ट्रुथ सच पे आधारित है, ये किसके लिए, फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। जो भी हम हमारे मैनेजमेंट के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उसमें ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, उसको क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहा जाता है। दूसरी चीज आती है कि हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म, किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं। दो तरीके से बने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस टाइम जो न्यूटन था वो बैठा था, उसके ऊपर एप्पल गिरा, तो उसने ऑब्जर्व किया, यानी कैसे गिरा, कैसे गिरा, कैसे गिर गया ऊपर से। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, देखो चाहे साइंस के प्रिंसिपल देखो, हर एक प्रिंसिपल किससे बनता है, ऑब्जर्वेशन। हमारा जो कौन थे, हैरी फ्योर, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक मिनट रफ कर देता हूं। हमारे जो हेनरी फ्योर है, कौन है हमारे हेनरी फ्योर, जिन्होंने हमें क्या दिए, 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट। तो हमारे जो हेनरी फ्योर है वो क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो देखते थे कि जब भी दो बॉस एक एम्प्लॉय को, दो बॉस एक एम्प्लॉय को दो काम दे देते हैं, इसने अपना काम दे दिया, इसने अपना काम दे दिया, तो दो काम दे देते, तो ये दोनों काम नहीं कर पाता है, कौन, हमारे। तो उसने, किसने, हेनरी फ्योर ने, जिसने हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उसने ऑब्जर्व करता था वो, कि जब दो काम दे देते हैं, यानी कि दो बॉस दो काम दे देते हैं एक एम्प्लॉय को, तो अच्छे से नहीं कर पाता। पर जब एक बॉस एक एम्प्लॉय को एक काम देता है तो वो उसको अच्छे से कर लेता है, यानी कि एक बॉस था हमारा, एक एम्प्लॉय को एक काम देता है तो वो अच्छे से कर लेता है। तो हेनरी फ्योर ने ऑब्जर्व करा कि भैया ये तो बहुत अच्छी चीज है, और उसने उस चीज को क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया। तो जितने भी प्रिंसिपल बनते हैं वो किस पे बेस पे बने, ऑब्जर्वेशन। यहां पर क्या कर रहे थे हमारे हेनरी फ्योर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। दो सिचुएशन, एक सिचुएशन ये है फर्स्ट, ये है सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन फर्स्ट में क्या थे, दो बॉस थे, दो काम दे रहे थे अलग अलग, तो ये काम नहीं कर पा रहा था किसी का भी। यहाँ पे क्या था, सिचुएशन सेकंड में एक बॉस था, एक एम्प्लॉय था, एक काम दिया, उस काम को उसने अच्छे से किया। तो हेनरी फ्योर ने ऑब्जर्व करा कि जब हम क्या करते हैं, एक बॉस एक एम्प्लॉय को एक काम देता है तो अच्छे से जाता है। तो जितने भी उन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं हमारे मैनेजमेंट के, वो किसके बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। वैसे ही हमारा न्यूटन, उसने जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल बनाया वो भी किसके बेस पे बनाया, ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाया। उसने ऑब्जर्व करा, अच्छा ये गिर गया, देखा समझा, चीज को ऑब्जर्व करा, देखा समझा, उससे बने हमारे किसके प्रिंसिपल, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, हमारे साइंस के प्रिंसिपल। दूसरी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, जहां पर हम अगर बात करें साइंस के प्रिंसिपल की, तो हमारा जो न्यूटन है उसने जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल बनाया, पहला तो ऑब्जर्वेशन करे, दूसरा उसने क्या काम करा, एक्सपेरिमेंट्स करे, हर चीज को अलग अलग चीज को फेंका, कभी उसने बाल्टी को फेंका, कभी उसने बॉल को फेंका, कभी उसने बुक को फेंका, कभी उसने पेन को फेंका, अलग 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 चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स करे, हर चीज का रिजल्ट कैसा आता था, सही ना, उसको हम उसने क्या बनाया, प्रिंसिपल बनाया। वैसे ही हमारे जो हेनरी फ्योर है, जब उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो उन्होंने भी अलग अलग कंपनीज में जाके इन प्रिंसिपल्स को यूज किया, अलग अलग कंपनीज में, कभी वो गूगल की कंपनी में गए, वहां पर उन्होंने इस प्रिंसिपल को बोला, उन्होंने बोला बॉस से, किससे बोला, बॉस से जाके बोला, वहां के मैनेजर से जाके बोला, एक काम करो आप, कि आपका जो एम्प्लॉय है ना, आप क्या हो, आप कंपनी के बॉस हो, आपका जो एम्प्लॉय है ना, उसको बस एक ही काम दे, उसको दो काम दे, उसको एक ही काम देना, उसको दो काम ही देना। फिर उसने एग्जामिन करा, उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, एग्जामिन करा, टेस्ट करा, उसका रिजल्ट कैसा आया, सेम आया। गूगल की कंपनी में जाके करा तो भी सेम आया, फिर उधर से कोटा में आके करा, या फिर कह सकते हैं हमारे इंडिया में आके करा, रिलायंस कंपनी में करा तो वो भी सेम आया। तो वैसे ही क्या करा उसने, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करा, और हर कंपनी का रिजल्ट सेम आ रहा था,
जिसको उसने क्या बनाया था, प्रिंसिपल बनाया, उसको क्या बनाया था उसने, यूनिटी ऑफ कमांड बनाया था, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो प्रिंसिपल बना है। तो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं किससे बने हैं, ऑब्जर्वेशन के बेस पे बने हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बने। उसके बाद आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे जो प्रिंसिपल्स है उसका कैसा नेचर है, उनको बात करते हैं। पहला है यूनिवर्सल पैटर्न, जितने भी हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स देख ले या फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देख ले, वो हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है। चाहे से आप कोटा की कोई फैक्ट्री में यूज करो, चाहे से आप राजस्थान की कोई फैक्ट्री में यूज करो, चाहे से आप इंडिया की कोई फैक्ट्री में यूज करो, चाहे से आप चाइना की कोई फैक्ट्री में यूज करो, चाहे से आप अमेरिका की कोई फैक्ट्री में यूज करो, हर जगह पे वो वर्क करे। इसलिए जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, मैनेजमेंट के, चाहे से वो साइंस के हों चाहे से वो मैनेजमेंट के हों, वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं। जनरल गाइडलाइंस का मतलब बोल रखा है, हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हमको गाइड करते हैं, गलती करने से रोकते हैं। जैसे हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स हमको गलती करने से रोकते हैं, वैसे ही हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें गलती करने से रोकते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो बॉस थे, एक एम्प्लॉय को काम दे रहे थे रोजाना और फिर कह रहे थे क्या तो काम ही नहीं करता, बकवास है, पर आप ही गलती कर रहे थे, आपका प्रिंसिपल तो बोल रहा भैया यूनिटी ऑफ कमांड लगाओ। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक बॉस है, एक एम्प्लॉय, एक काम दोस्त, जब जाके वो अच्छे से कर पाएगा, पर आप तो क्या कर रहे थे, दो दो बॉस उस बेचारे को दो दो काम दे रहे थे, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था और काम ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या बोलता है, हमारे जो नेचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो सेकंड नेचर बताता है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो हमको गाइड करते हैं, हमको गलती करने से रोकते हैं। इसको क्या कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड नेचर। तीसरा नेचर है फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं ना, चाहे से वो हेनरी फ्योर ने यूनिटी ऑफ कमांड बनाया, उसने किसके बेस पे बनाया, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बनाया। तो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं, चाहे से वो हमारा साइंस का ग्रेविटी प्रिंसिपल, वो किस पे बना है, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बना है, हर चीज को ऊपर फेंका। वैसे ही हमारे हेनरी फ्योर ने अलग अलग कंपनीज में जाके उन चीजों को यूज करा, जब टेस्ट करा तो रिजल्ट कैसा आया, सेम आया। तो जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं किसके, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं, वो किस पे बेस पे बने, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बने। अब बात कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नेक्स्ट नेचर की, जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनका कैसा होता है रिलेशन कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि सपोज करो आप पांच स्टूडेंट्स जो कि फ्रेंड्स थे और वो क्या करने जा रहे थे, एक दिन मॉर्निंग में क्रिकेट खेलने जा रहे थे, ठीक है। जैसे ही आपके फ्रेंड ने, सामने से जो बॉलर है आपका फ्रेंड है, उसने बॉलिंग करी और आपके तरफ फेंकी बॉल, तो जैसे ही आपकी तरफ बॉल फेंकी तो आपने क्या करा, जो बैट से उसने बॉल को हिट करा, आपने आपके बैट से उस बॉल को हिट करा, तो बॉल को हिट करना क्या है, हमारा कॉज है। उसका इफेक्ट क्या है कि वो ग्राउंड के बाहर चले, उसका इफेक्ट क्या आया कि वो ग्राउंड के बाहर चले। तो इसको क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कहते हैं। जितने भी हमारे साइंस के प्रिंसिपल हैं, जैसे कि इस पेन का नीचे आना क्या है, इफेक्ट, इसका ऊपर जाना कॉज है, देखो ये कॉज ये इफेक्ट, ऊपर जाना क्या था, कॉज था, मेरा फेंका ऊपर गया क्या था, कॉज था, नीचे आया क्या था, इफेक्ट था। मेरे सामने एक स्टूडेंट खड़ा है, मैंने उसको धक्का दिया, ये क्या था, कॉज था, वो आगे बढ़ गया, वो क्या था, इफेक्ट था। तो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे से वो साइंस के प्रिंसिपल्स हो, चाहे से वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो, किस पर बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जैसे कि ये आपका एक एम्प्लॉय था, ये क्या था, डीमोटिवेट था। सपोज कर लेना ये डीमोटिवेट था, तो ये डीमोटिवेट था, जैसे ही इसको इसके बॉस ने क्या करा, मोटिवेट किया, तो ये क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, ये क्या हो गया, मोटिवेट हो। तो यहाँ पे क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है। यहाँ पे कॉज क्या है, मोटिवेट करा तो ये मोटिवेट, मोटिवेशन दिया तो ये मोटिवेट। तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, वो किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे कॉज एंड इफेक्ट पे होते हैं। जैसे कि एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये एक हमारा बॉस था, यह हमारा एक एम्प्लॉय था, यह हमारा एक बॉस था, यह हमारा एक एम्प्लॉय था। इसने इसको एक ऑर्डर दिया, एक क्या दिया, ऑर्डर दिया। यह हमारा बॉस था और यह हमारा एम्प्लॉय था, इसने इसको एक ऑर्डर दिया, उसने एम्प्लॉय ने उसको, इसको हमको पता है क्या होता है, ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमने कोर्स किया दिया यूनिटी ऑफ कमांड, हमारा इफेक्ट क्या है, वो एम्प्लॉय ने अपना काम अच्छे से कर दिया।
तो इसको क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर वो किस पे बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपको एम्प्लॉय से अच्छा काम कराना है तो आप यूनिटी ऑफ कमांड दे दो, यूनिटी ऑफ कमांड का रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या कर दो, आप यूनिटी ऑफ कमांड उसका प्रिंसिपल लगा दो। यूनिटी ऑफ कमांड का जैसे ही प्रिंसिपल लगाओगे तो अपना काम अच्छे से करेगा। आप सभी को पता है यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, ठीक है। तो उसका हमारे क्या होता है, नेचर होता है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, कैसा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। उसके बाद आता है लास्ट मेनली बिहेवियर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है, कौन काम करता है, आपको कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन बींग पढ़ा रहा है। तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं, इंसान वर्क करते हैं, लोग वर्क करते हैं, पीपल्स वर्क करते हैं। तो उनको क्या करना है, क्या करना है, उनको बिहेवियर को चेंज करना है। वो काम अच्छे से नहीं कर रहे तो उनसे काम अच्छे से करवाना। तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, किसके लिए बने हुए हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बने हुए। उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट नेचर के। तो जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं किसके लिए बने हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए बने, ताकि वो अच्छे से काम करें। तो ये होते हैं हमारे कुछ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हमने बात करी कि भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरीके के मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो हमारी मदद करते हैं, किसके लिए मदद करते हैं, कैसे वो बनते हैं और उनके क्या क्या उनके नेचर्स होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और ज्यादा चैप्टर के बारे में, और पढ़ेंगे कि हमारे हेनरी फ्योर के कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए।